सो गए थे, फिर वही दर्द हो रहा है। होता है ना, एक जो डिलीवरी वाला दर्द होता है, दर्द काफ़ी हो रहा था तो मम्मी से देखा नहीं गया। अभी किचन में कुछ घरेलू उपचार करने लगी अपना, इससे मम्मी आराम को फूक के आराम बैठ। तो दोस्तों रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अचानक से इनको मतलब पेट में दर्द हुआ, तो मम्मी इनके लिए चली गई किचन में चाय बनाने के लिए। जिसमें काफ़ी रात हो गया है, हम तो सो गए थे, फिर वही दर्द हो रहा है। होता है ना, एक जो डिलीवरी वाला दर्द होता है, अभी वो दर्द नहीं है, रुक रुक के दर्द हो रहे हैं। कैसा दर्द हो रहा है अभी? पेड़ के दर्द, पेट भी टाइट है। मम्मी इनके लिए चली गई किचन में चाय बनाने। चलो सब सही हो जाएगा। तो मम्मी देखिए किचन में आ गई है, दर्द काफ़ी हो रहा था तो मम्मी से देखा नहीं गया। आगे किचन में कुछ घरेलू उपचार करने लगी अपना, इससे मम्मी आराम हो जाएगा? नहीं आराम नहीं, दर्द होगा तो दर्द के लिए थोड़ा गरम गरम चाय, गरम गरम चाय बना रही है। ये की तो दर्द नीचे बच्चा आएगा। अच्छा गरम से देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा, कितना रात हो गया है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर लेके चलेंगे हॉस्पिटल, ही क्या करेंगे। हम लोग तो तुम गहरी नींद में थे। आइए देखते हैं बाहर कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इतनी रात को एक तो गाड़ी वाले जा रहे हैं, अपना ड्यूटी करके आ रहे होंगे। कुछ आराम हुआ? इस दर्द में आराम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। अब मम्मी मुझे नहीं पता है तो क्या करें, पूछ लेते हैं। कुछ आराम हो जाएगा तो मेरा भी जी थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये ऐसा दर्द है मतलब बढ़ता ही जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। चलो भगवान करे जल्दी से सब अच्छा हो जाए। नहीं क्या लाइट ऑन करोगी फालतू का? आराम कर लो थोड़ा सा, लेट जाओ। आधी रात को हम लोग परेशान हो गए हैं, उनके तो लाइट जला देते हैं, अंधेरे में कब से बैठे थे। और मम्मी ला रही है, मम्मी का कहना है कि गर्म चीज़ पीती हैं, गर्म चीज़ पीने से बच्चा नीचे सरकता है। और ये भी कह रही है कि वजह से लग रहा है ना सर बच्चा नीचे आ गया है। अब देखते हैं चलो देखते हैं, मम्मी चाय पिला देंगे तो फिर थोड़ा सा बहुत तो आराम मिल ही जाएगा। टहलते रहो यही रात अंतम, यही रात भारी, कहते हैं ना। ये देखो लो गर्मा गर्म चाय। काला चाय का मम्मी? अच्छा
कुछ काला चाय है, घी डाल दी मम्मी, ये को फूक के बैठ के पी लो, आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड़ फायदा होता है, इधर बैठ जाओ एकदम, इसीलिए तो मूड गए था कि यहाँ बैठ जाओ। ऐसे पैर लटका के बैठ जाओ ना, बाल खोल लो, हाँ तो दवाई क्या रसगुल्ला थोड़ी ना लगेगा। अपने हाथ से क्यों नहीं बनवाना चाहिए मम्मी? नहीं नहीं बनना चाहिए अपने हाथ से थोड़ा। जाओ खोलो चीनी का डब्बा, चीनी का डब्बा, सब सब डब्बा तो यही बंद करती है, चीनी तेल घी नमक। एक दिन तुमने तुमने पूरा डब्बा खोल लो, दो पूरा पी के खत्म करो इसे। अजवाइन अदरक का चाय है ये, देसी घी भी डाली मम्मी से। अभी 20 तारीख हो गया ना, कह रही कि आज ही होगा क्या, तो मम्मी बोलने लग तो रहा है सुबह हो सकता है रात में और दर्द करे, मतलब भोर तक। बैठ जाओ मम्मी, दवा खाई थी? अभी कितना बचा है मम्मी? अच्छा, इनके बिल्कुल नहीं अच्छा लगा थी सब, कोल्ड ड्रिंक पिला दो। ये देसी कोल्ड ड्रिंक है, अपने टाइम में फायदा करेगा, जो जो कड़वा जितना रहता है उतना फायदा करता है। एसी बंद करेंगे नींद कैसे आएगा फिर? एक फोल्डिंग लाना पड़ेगा लग रहा है ना। चलो सब सही कर देंगे सब, तो बने रहिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से। गाइस चलते हैं, अभी थोड़ा सा इनको आराम मिल गया है,
बाकी जैसा होगा आप लोग से अपडेट करते रहेंगे हम। अभी बोलने दर्द नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी तेज दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला चलो डॉक्टर पास चलते हैं, तो बोली अभी इतना रह के दर्द कर रहा है, तो देखते हैं रात भर में अगर जाना पड़े तो अच्छी बात है। तो मम्मी बोली हैं जाओ आराम कर लो, चलो ठीक है, चलो गए सुबह मिलते हैं आप लोगों से, बीच में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। तो गाइस मम्मी ने फिर से इनको दिया गर्म करके, काफ़ी अंधेरा है क्योंकि फिर हल्का फुल्का दर्द हो रहा था, लगता है आज पूरी रात ऐसे ही बीत जाए क्या। नहीं मेरे लिए थोड़ी ना यार, गजब बात करती हो, जल्दी से पी लो यार, पियोगे तब ना पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा रहता है। तुम्हारे लिए मम्मी लाई तो हमको पिला रहे हैं। अब गाइस हम देखते हैं, मैंने बोला था लेकिन बीच में फिर ऐसे हल्का सा हुआ तो हमने चलो मम्मी ने फिर गर्मा के दे दिया, हमको लग रहा है हमारा बेबी जल्द ही आने वाला होगा, एक दिन लगेगा लग रहा है। मम्मी बोल भी रही थी कि बहुत टाइम हो गया है।